उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के आज कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा से किए गए बातचीत। धर्मेश तिवारी, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हूं और हमारे साथ प्रतापगढ़ कांग्रेस कमेटी के जिला पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी हैं। आइए जानते हैं बढ़ती हुई महंगाई के बारे में उनका क्या विचार है। आज जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, इससे आम व्यक्ति परेशान। आज डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम, चाहे खाद्य के तेल हो, चाहे आपके राशन हो, सारी की महंगाई चरम पे है। आज यह सरकार केवल आम जनता को लूटने में लगी है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों के नेता गांधी जी ने जो निर्देश हम लोगों को दिए थे कि आज पूरे प्रदेश के अंदर डीजल, पेट्रोल और की बढ़ती महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने एक रिक्शा तांगा का एक जुलूस निकाला था और एक संदेश हम लोगों ने दिया कि हम लोग जिस तरीके से लूटे जा रहे हैं, कि व्यक्ति अब मजबूर हो गया है, अब जो व्यक्ति जीने के लिए मजबूर हो गया है, कैसे इस महंगाई में जिए। क्योंकि आप जान रहे हैं इस महंगाई में हमारे रोजगार छिन गए, हमारे जो लोग काम धंधे वाले थे उनके काम धंधे बंद पड़ गए और ये लाख चूँकि महामारी का जो दौर चला, कोरोना का जो दौर चला, इसमें तमाम लोगों की नौकरियां छूट गई, तमाम लोगों के धंधे ठप हो गए और लॉकडाउन ने लोगों को बद से बदतर बना दिया। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से तमाम टैक्सेस लगा करके और डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम आसमान पर उछाल करके हम चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग परेशान हैं। और इसका एक नारा था, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नारा सरकार का था, ये नारा दी थी यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, आप पेट्रोल पंपों को देखते होंगे कि तस्वीर लगी रहती थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, और उस पर लिखा रहता था कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर 80-90 पूरे सौ। इन्होंने 100 कर दिया तेल का दाम। ये सरकार की नीति कि 80 करो 90 करो 100, ये सरकार जनता की विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, ये सरकार ताना साहेब पूर्ण से। अभी आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी पंचायत के चुनाव हुए, जिस तरीके से खुलेआम गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत का सबसे बड़ा गुंडा प्रदेश अगर कोई समय है तो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो भाजपा के गुंडों द्वारा, प्रशासन मुख बना बैठा हो और लोगों का अपहरण हो रहा हो, हत्या हो रही हो और जबरदस्ती सत्ता काबिज की जा रही हो, इसी सरकार के खिलाफ आम व्यक्ति हो गया, आंदोलित हो गया है। आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में व्यक्ति सड़क पर निकलने के तैयार। मिश्रा जी, जैसा हम आपसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह खुले खड़ी है, ऐसे में तमाम हमारे युवा मजबूर होकर प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, इस विषय पे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जब से ये देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के नेतृत्व में बनी, क्योंकि उस समय बड़े बड़े नारे लगे थे सरकार, देश का प्रधानमंत्री कहता था कि अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिलेंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वादा किया, नौजवानों का एक सपना था कि ऐसा प्रधानमंत्री आ रहा जो उसको 2 करोड़ रोजगार में हमारी बेरोजगारी मिट जाएगी, हम अपने बूढ़े माँ बाप के रोटी का सहारा बनेंगे इस सरकार के माध्यम से। लेकिन एक सवाल मेरा इस सरकार से है, 2014 से सरकार है, आज 7 वर्ष सरकार बने हुआ, आज तक ये हमको नहीं लग रहा है कि ये पूरे जो प्रतिवर्ष कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 7.5 साल में 2 करोड़ रोजगार दे पाए हो, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं, इनकी ना नीति सही है, ना इनकी नीयत सही है, ना इनके पास कोई प्लान है नौजवानों के बारे में। हाँ, इतना जरूर है कि ये फैक्ट्रियां बंद करवाए, ये नोटबंदी करके लोगों को बेरोजगार किए, ये GST लगा करके व्यापार को ठप किए,
ये जो भी वैकेंसियां खाली हैं उसको फिलअप नहीं कर पाए, तमाम वैकेंसियां नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरते हैं, उनसे हजार हजार रुपये फूल लिए जाते हैं, लेकिन लास्ट में ये होता है कि परीक्षा निरस्त कर देते हैं। वो हजार रुपये कहाँ गया, किसके खाते में गया, सरकार आज तक बता नहीं पा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी न देने के बजाय उस बेरोजगार से उसका पैसा का दोहन कर रही है। जो गरीब किसान का बेटा, जो गरीब मजदूर का बेटा, जो मजलूम का बेटा मेहनत कर मजदूरी करके अपनी पढ़ाई करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और शुल्क जमा करता है, उसके शुल्क का पता तक नहीं चला। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सरकार का है जो नौजवानों के शुल्क को कम कर गई। क्या आने वाले 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस किसी पार्टी के साथ समझौता करेगी? मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि हम किसी के साथ, माननीय प्रियंका गांधी जी का बयान भी आया अपने के साथियों के साथ कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर प्रदेश को बांट रहा है, प्रदेश को तोड़ रहा है, देश को तोड़ रहा है, तो हम तो एकता वाले, हम सबको साथ ले चलने वाले लोग हैं। हम इसलिए इस पर कोई समझौता नहीं है। अब पार्टी नेतृत्व में निर्देश देगा।